सभी दोस्तों का स्वागत है और नव वर्ष की आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप खुशहाल रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें और ईश्वर से यही कामना करते हैं। और आज मुंबई का न्यू ईयर आपको घुमाने वाले हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, न्यू ईयर के समय में पूरा मुंबई शहर किस तरह से चकाचौंध हो जाता है। हालांकि ज़्यादातर त्योहारों पर मुंबई शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, तो ये मुंबई गोरेगांव ईस्ट में हम आपको दिखा रहे हैं ये ओबेराय मॉल। और यहाँ से पूरे मुंबई के दीदार कराने के लिए ले चल रहे हैं। सबसे पहले तो ईश्वर का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है दोस्तों। ये गोकुलधाम मंदिर का दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके पश्चात हम ये बांद्रा में माउंट मैरी चर्च, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। यही प्रचार नववर्ष में सभी को करना है और सभी को भाईचारे के साथ में जीवन को आनंदमय बनाना है। और यही ईश्वर ने हम सबको यही बताया है कि सबसे प्रेम के साथ मिलकर चलें और सभी लोग खुशहाल रहें, तभी देश की तरक्की होगी, हम सब की तरक्की होगी, जब मन में खुशी होगी। और ये चलिए अब अंदर आपको लिए चलते हैं। ये माउंट मैरी चर्च, मदर मैरी का ये दृश्य, ये चर्च बहुत ही आनंदमय और यहाँ पर आकर बड़ी ही शांति का अनुभव होता है। ईश्वर ने कहा है कि प्रेम बांटो दोस्तों, जितना प्रेम बांटोगे आप उतना ही आनंद का अनुभव करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में। और ये सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, सब जगह आज हम आपको भ्रमण कराने वाले हैं। और ये सिद्धिविनायक मंदिर दोस्तों मुंबई का बहुत ही प्रसिद्ध, हम नववर्ष में सभी जगह जाते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, हमारी यूट्यूब फैमिली भी स्वस्थ रहें। इसी के साथ में ये हाजी अली दरगाह दोस्तों, यहाँ पर भी आना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि मुंबई शहर में वाकई ही बड़े बड़े जो चारों ओर से देवी देवताओं से जो घिरा हुआ है। और इसी के पास में दोस्तों महालक्ष्मी मंदिर है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए नववर्ष की शुरुआत होते से ही अच्छी अच्छी जगह जब आप जाते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं और आपको अपने जीवन में आपको तरक्की देने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पर है तो दोस्तों ज़िंदगी में सारी बातें आसान होती चली जाती है। ये सामने हमने मामा हाजी अली की दरगाह भी बिल्कुल करीब में है, जो कि हाजी अली के मामा। और यहाँ से अब हम आगे चलते हैं और ख़ूबसूरती की ओर। ये दोस्तों ये गेटवे ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान का ताज होटल, ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर खूबसूरती है। इस बार कोविड के कारण लोगों को ज़्यादा अनुमति नहीं दी गई है कि आप अपने घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि बीमारी किसी को देख कर नहीं आती। और ये मरीन ड्राइव का मनोहर दृश्य किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत रहता है दोस्तों। वैसे तो जो मुंबई शहर है हर समय बिल्कुल हर दिन सजा हुआ होता है। और ये एम्बेसडर होटल को हम दूर से दिखा रहे थे, करीब के शॉट्स भी हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लगता है पास से। ये एम्बेसडर होटल, इसमें शूटिंग की गई थी, बहुत सारी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होती रहती है। और ये चर्च गेट स्टेशन के बिल्कुल पास है। और ये एम्बेसडर होटल का एंट्रेंस गेट ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग्स, पूरा मरीन ड्राइव के आसपास का पूरा मनोहर दृश्य और पूरी मुंबई की सैर आपको कराने वाले हैं, ताकि आप भी चार्ज हो जाएं। नए साल में कुछ नई आपको संकल्प लेने चाहिए कि हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ को अचीव करना है। और साथ में जब ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है, साथ रहता है, तो कुछ भी कार्य नामुमकिन नहीं होता है, बशर्ते आप मेहनत और ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ में आप अपने कार्य को करते जाइए। आप जीवन की उन बुलंदियों को छू सकते हैं। चलिए, ये अब हम आपको पास से सारे होटल्स को दिखाते हैं, किस तरह से देखिए सजा रखे हैं पूरे होटल्स। और ये ट्राइडेंट होटल है, ये मरीन ड्राइव के इधर, और ये देख सकते हैं आप किस तरह से लाइट डेकोरेशन यहाँ पर हो रखा है और बहुत ही खूबसूरत। ये उसका एंट्रेंस गेट और ये पूरा का पूरा मरीन ड्राइव ओबेरॉय होटल के छोर से किस तरह से लगता है। और ये ट्राइडेंट होटल साइड से हम आपको ये दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ की जो डेकोरेशन है, लाइट डेकोरेशन बहुत ही अद्भुत रहती है दोस्तों। और ये एयर इंडिया की बिल्डिंग, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये पूरा मरीन ड्राइव के यहाँ पर ये स्थित है और बहुत ही अच्छा लगता है रात के वक्त जब आप मुंबई शहर में घूमते हैं दोस्तों, उसकी बात ही कुछ और है। दिन के दृश्य दिन में भी बड़ी खूबसूरत लगती है मुंबई, और रात में तो बात ही कुछ और है। ये ओबेरॉय होटल को हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये भी मरीन ड्राइव पर ही स्थित है दोस्तों। ये ट्राइडेंट होटल, ओबेरॉय होटल और ये सब यहीं पर स्थित हैं। और ये यहाँ का एंट्रेंस गेट आप ये देख सकते हैं ओबेरॉय होटल का। और ये फिर से पूरी मरीन ड्राइव का मनोहर दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं रात के समय, जैसे एक रानी ने नेकलेस पहना हुआ हो। ये 3.5 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव, ये आप ये देख सकते हैं, समुद्र देवता बीच में है और मुंबई को किस तरह से गोलाकार में बसाया हुआ है दोस्तों, बहुत ही शानदार शानदार लगता है। और ये आप ये देख सकते हैं पूरी मुंबई शहर जैसे समुद्र में तैरती हुई नज़र आ रही है आपको। और यहाँ की खूबसूरती की तो वाकई बात ही कुछ और है। ये पूरा का पूरा हमने व्यू आपको मरीन ड्राइव का दिखाया है दोस्तों। और नए साल में नई खुशियों के साथ में आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। ये डे का दृश्य मरीन ड्राइव का हम आपको ये दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये लगती है ये जगह। ये सामने जो समुद्र के बीच में जो देख रहे हैं वो पूरा नेवी नगर बसा हुआ है। और ये पूरा यहाँ का मनोहर दृश्य आप ये देख सकते हैं मरीन ड्राइव का, दिन के समय कैसा लगता है और रात के समय कैसा लगता है, मुंबई की खूबसूरत जगह। और शुरुआत में आपने जो लाइट देखी बहुत ही जो बांद्रा वर्ली सी लिंक पर की गई थी दोस्तों। और ये यहाँ मरीन ड्राइव का पूरा ये यहाँ का मनोहर दृश्य आप ये देख सकते हैं, और कितना खूबसूरत लगता है रात में भी और दिन में भी। मन को बिल्कुल, आप घर बैठे बैठे आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि हमने पूरे मुंबई के दर्शन कर लिए नए साल में। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए भाई। अच्छा लगेगा तो आप लोग करेंगे ही, हमें पता है। बार बार बोलने की तो अच्छा ही नहीं लगता है उसमें, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। और ये यहाँ पर पूरा का पूरा खूबसूरत दृश्य हमने मरीन ड्राइव का ये दिखाया दोस्तों। और ये हम आपको लेकर आ चुके हैं, ग्रीन गोरेगांव लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये गोरेगांव ईस्ट, ये भी बहुत ही खूबसूरत। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास में ये वेस्टर्न बिल्डिंग के नाम से इसे जाना जाता है। ये ओबेरॉय होटल के जस्ट पीछे की साइड है स्थित। और ये हम आप ले गोकुलधाम आपको लेकर ये पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी लाइट डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया हुआ है दोस्तों। और चलिए अब ऊपर वाले का आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये यहाँ पर नाना प्रकार की झांकियाँ, श्री कृष्ण ने भी जीवन में सबको प्रेम बांटा है, प्रेम से रहिए, प्रेम बांटो तो ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी से कोई परेशानी नहीं होगी और जीवन में आनंद के साथ में जीवन को व्यतीत करो। तो यही कामनाओं के साथ में हम आप सभी के लिए भी दुआ करते हैं कि सभी लोग नव वर्ष में अच्छे से रहें और जीवन में खुशहाली, सभी के जीवन में खुशहाली आए। तो दोस्तों, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। अपना ख्याल रखिए। ये पूरा अक्सा बीच का शाम के वक्त का दृश्य नज़ारा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये पूरा यहाँ पर नव वर्ष में सब लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं।